अस्सलाम वालेकुम। सितारा किचन व्लॉग में आप सभी को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से और आप लोग की दुआओं से हम सब भी अच्छे से हैं। तो देखिए, माहिरा के लिए हम लोगों ने कुछ शॉपिंग किए थे, और मतलब माहिरा, सॉरी मैं आपको बताना ही भूल गई, माहिरा हम मेरी जो भतीजी है, मतलब मेरी देवरानी जी को जो बेटी हुई थी, एक महीने की हो चुकी है वो, और अब उसके पापा उससे मिलने गांव जाने वाले हैं, कल वो जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदे थे उसको देने के लिए, क्योंकि हम तो जा नहीं पाए, तो अब उसके पापा जा रहे उससे मिलने के लिए, अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे। तो देखिए, हम लोगों ने, मतलब मैंने और मेरी ननद जी ने, दोनों ने मिल के हम लोगों ने कुछ उसके लिए कपड़े वगैरह ख़रीदे थे। ज़्यादा कुछ तो नहीं ख़रीदे हैं, बस थोड़ी बहुत ख़रीदे थे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसके लिए नहीं ख़रीदे क्योंकि एक महीने के बाद, मतलब जनवरी में उनकी वाइफ, मतलब मेरी देवरानी जी आने वाली है और बच्ची को लेकर के, इसके लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लाए, बस खाली हल्का फुल्का ये कपड़ा ले आए उसको देने के लिए। तो ये देखिए, ये सब कपड़े वगैरह लाए हम लोग ने, माशाल्लाह। मुझे तो छोटे बच्चों का नॉलेज नहीं है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो अभी अभी होते हैं, मुझे नहीं पता उसके कपड़े वगैरह कैसे लेते हैं। बस खाली ये सॉफ्ट रहता है, क्योंकि मेरी जब बेटी हुई थी आयशा, तो उसके लिए कपड़े तो नानी की तरफ से, दादी की तरफ से इतने सारे, मतलब ननियाल ददियाल की तरफ से आ जाता है इतना सारा, तो मुझे नहीं ख़रीदना पड़ा था। मतलब 5-6 महीने तो मैंने ही ख़रीदी थी। तो देखिए, इसके लिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, फिर भी मुझे जो ठीक लगा मैंने ले आई। तो इसके लिए मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, बच्ची का कपड़ा कैसा है, और देखिए ये भी है, ये थोड़ा बड़ा ही ले लिया था कि अभी, मतलब वो माशाल्लाह, मतलब सारे कपड़े कैसे बच्चों के छोटे ही हो जाते हैं, अभी तो माशाल्लाह गांव में बहुत सारा कपड़ा उसको आ गया है। इसके लिए हम ये सब लेकर के आए, इसके लिए कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरह से मिक्स करके लेकर के आए हैं, क्योंकि बच्चे क्या बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा, मतलब थोड़े बड़े कपड़े लाए ताकि वो कुछ दिन तक पहने। तो देखिए ये सब कुछ कपड़े लेकर के आइए, देखिए इसमें भी है, ये देखिए माशाल्लाह शूज़ भी है, कितना प्यारा लग रहा है, कलर भी अच्छे हैं, और ये देखिए इसमें भी है, तो कल देवर जी जा रहे हैं, तो हमारे घर से रवानगी है उनकी, मतलब यहीं से जाने वाले हैं। तो सारी शॉपिंग वगैरह हम लोग ने, मतलब बच्ची को देने के लिए ले आए थे, और कल वो जाने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, काफ़ी टाइम के बाद जा रहे वो भी अपनी वाइफ से मिलने और बच्ची से मिलने के लिए, तो खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे, और वैसे भी कोई जाता है तो खाली हाथ तो जाते नहीं है, कुछ ना कुछ लेके जाते ही हैं। तो देखिए आप लोग, कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कपड़े कैसे लगे, मतलब मुझे कपड़ा लेना आता भी है कि नहीं बच्चों का, क्योंकि मैं इतने छोटे छोटे कपड़े तो मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ। देखिए कुछ फूल आस्तीन के भी ले आई थी, और कुछ ऐसे छोटे आस्तीन के भी ले करके आई थी। फूल आस्तीन का कपड़ा इसके लिए लेकर के आई, क्योंकि अभी तो आपको पता है ठंडी का मौसम आने ही वाला है, और गांव में कितनी ठंडी पड़ती है। देखिए ये माशाल्लाह, ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये भी ली मैं। मेरा कैसा रहता है ना, मुझे जल्दी कुछ पसंद नहीं आता है, मतलब दुकान में जाती हूँ मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्या लूँ नहीं लूँ कुछ समझ में नहीं आता है, और किसी का भी कपड़ा लेना हो तो मैं, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे क्या करूँ, कितने लोग का कैसा रहता है कि देना तो है कैसे भी ले, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसा पहनती हूँ वैसे मैं दूसरे को भी दूँ। तो ये देखिए जैकेट वाला है, इसको ऐसे इसी तरह से, मैं जब भी ये कपड़े जब लेने गई थी, तो हस्बैंड जी बहुत, मैं मतलब बहुत ढूंढना पड़ा, क्योंकि हम मुझे पता ही नहीं था छोटे बच्चों का कपड़ा कहाँ मिलता है, और जिस दुकान में भी मैं जाती थी वहाँ पे सब बोलते थे 6 महीने का है और साल भर का है, न्यू बॉर्न बेबी का नहीं है। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि मंडी में 2-3-4 दुकान है लाइन से, वहाँ पे न्यू बेबी बॉर्न का सारा सामान मिलता है। तो फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया, और फिर मैं ले आई वहाँ से। तो और ये देखिए इस कपड़े में टोपी भी है, और
हैंकी वगैरह भी है, तो इस तरह से सेट है। देखिए ननन जी ने लाए थे ये सब, और मतलब सारे कपड़े हम दोनों ने मिल के लाए थे बच्ची को देने के लिए। और ये शायद इसमें उसकी मम्मी का बंगड़ी है, मुझसे ये खुल नहीं रही है। खैर, और इसमें क्या है, इसमें भी है। तो ये सब चीज़ें मैं ला करके रखी थी, बस इसकी वीडियो नहीं बनाई, तो मैं सोची कि चलो मैं बता देती हूँ। अच्छा, थोड़े बहुत ये एक स्क्लैचर वगैरह है, और ये इयररिंग्स वगैरह है, और ये कुछ है, और इसमें उसकी मम्मी की बंगड़ी है बच्ची की। मम्मी के लिए कपड़ा हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसकी मम्मी को मतलब मेरी देवरानी जी को जो कपड़ा चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। मतलब मार्केट में वो कुछ मिरर वाला कपड़ा बता रही थी, तो हम लोग को मिला नहीं। तो हम लोग ने बोले कि एक काम करो, ऑनलाइन देख लो, अगर आपको मिल रहा है तो आप वहीं से ले लो। इसके लिए मम्मी का कपड़ा हम लोग ने नहीं लिया, तो वो अभी ऑनलाइन वहीं से मंगा लेगी। और ये बंगड़ी है उसकी। और देखिए, आप कपड़े के साथ थोड़ी बहुत मिठाइयाँ भी, थोड़ी बहुत मिठाइयाँ भी ले करके आए थे अभी, हस्बैंड जी और देवर जी दोनों जाके मिल करके। मतलब वहाँ पे अभी मेरे उनके ससुराल के लिए और मेरी सासू माँ के लिए, और वहाँ भी एक ननद है मेरी छोटी वाली, तो उन लोग को देने के लिए ले करके आए थे। तो देखिए अभी कोई कैसा रहता ना ठंडी में, ना मेरी सासू माँ यहीं आ जाती हैं। अभी इस बार का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो बोल रहे थे कि अम्मी आ जाइए, ठंडी बहुत पड़ती है गांव में। तो अभी देखिए, अगर ससुर जी भी जाने वाले हैं 15 दिन में, 15-10 दिन के अंदर वो जाने वाले हैं, तो शायद वो जाएंगे तो कह रहे थे कि तुम्हारी माँ को लेकर के आऊँगा, तो आएंगी। कैसा रहता ना हर साल ठंडी में मम्मी पापा यहाँ आ जाते हैं, और जैसे कि नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीने ठंडी रहती है, तो फरवरी में उन लोग चले जाते हैं, और हम लोग गर्मी में जाते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में वहाँ पे आम वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है ना। इसके लिए मम्मी कहती हैं कि कौन खाएगा इतना सारा आम है, तो ये सब ले करके आए थे देने के लिए। तो देखिए ये सब कपड़े लेकर के, आप बताइएगा कि कपड़े कैसे हैं बच्ची का। ये वाला कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, देखिए ये वाला बहुत, मतलब इन सब कपड़ों में मुझे ये वाला बहुत ही प्यारा लगा था। और ये देखिए फुल आस्तीन का है, ठंडी के हिसाब से तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, और इसकी पैंट भी अच्छी है। और ये देखिए ये भी अच्छा, ये काफ़ी बड़ा है, 1 साल की भी रहेगी तो पहन लेगी। और ये जूती देखिए कितनी अच्छी है, माशाल्लाह कलर भी अच्छे हैं। और ये तो देखिए, अभी मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर की, आप लोग हमारा सारा वीडियो आप लोग देखते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, और लाइक भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारा धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, और हस्बैंड जी को भी बहुत ही खुशी होती है। और ये देखिए एक चीज़ अभी और मैं आपको दिखाना ही भूल गई, सॉरी। देखिए ये जो है ना, ये जैकेट लेकर के आए हैं, वो जो हमारी गाँव में जो ननन जी है ना, मतलब मेरी दो ननन जी है, एक दोनों बड़ी हैं मुझसे, तो ये हम मेरी जो छोटी नन जी है, देखिए मैं इसको दिखाती हूँ, ये जैकेट उनके हस्बैंड के लिए, मतलब जो मैं गए थे ना हम लोग नन जी के घर पे, तो ये उनके हस्बैंड के लिए है। ठंडी आने वाली है ना, तो वो बोले थे कि पूछे थे कि देव जी कि आपको क्या चाहिए भाईजान, तो बोले कि कुछ तो नहीं चाहिए, फिर भी आपको जो ठीक लगे ले आइए। तो देवर जी ने ये ले करके आए, ये जैकेट अच्छी है, लेदर की है, देखिए जीप वगैरह भी अच्छी है माशाल्लाह। तो ये उनके हस्बैंड के लिए है, और भी कुछ था जो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उनकी बेटी के लिए स्कार्फ वगैरह था, और क्या था क्या पता, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन जब हम लोग ले करके आए थे तो थैली में थे, लेकिन अभी मिल नहीं रही है। एनीवेज कोई बात नहीं, देखिए ये जैकेट है, कलर भी माशाल्लाह अच्छा है। सॉरी, देखिए मैं स्वेटर दिखाना ही भूल गई, स्वेटर भी लेकर गए थे हम लोग, ये ना बॉक्स साइड में पड़ी रह गई थी, तो मैं दिखाना भूल गई, और बेड पे पूरा मतलब फैलाई थी ना, तो बॉक्स साइड में रह गया था। तो देखिए ये स्वेटर भी लाए थे हम लोगों ने, ठंडी है ना, अगले महीने से ठंडी आ रही है, तो देखिए एक स्वेटर भी ले लिए थे, और वहाँ पे तो बहुत सारे स्वेटर आ चुके हैं, इसके लिए हम लोग एक ही लिए। और ये देखिए 100 दस्ताना भी है इसमें हाथ के आस्तीन में, और ये सॉक्स भी है। तो देखिए जैसे कि मैं बोल रही थी कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं,
तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी देखेंगे और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की हमारे आगे बढ़ाने के लिए हम हमारा साथ देंगे। और क्या, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।